खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के तेजी से बदलते हुए राजनीतिक हालात पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, बांग्लादेश के मुद्दे पर बसपा केंद्र सरकार के फैसलों के साथ है। केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी बीएसपी उनके साथ है। तो बांग्लादेश को लेकर मायावती ने यह ट्वीट किया है, क्या लिखा है एक्स पर पोस्ट करके वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बांग्लादेश को लेकर मायावती का यह ट्वीट, जिन्होंने कहा कि वो इस मामले में सरकार के फैसले के साथ हैं, बांग्लादेश पर बसपा केंद्र के फैसले के साथ है, ये पोस्ट करके लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उधर गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है और खबर आ रही है दिल्ली जा सकती हैं शेख हसीना। बांग्लादेश एम्बेसी की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, सोर्सेस से ये जानकारी मिल रही है। ट्रैफिक के लिए डिवाइडर लगाए गए हैं, इंतजाम किया जा रहा है सड़क मार्ग का। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं, वहां पर हिंसा बढ़ती जा रही है। हिंदू मंदिरों को, उनके घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हजारों हिंदू बेघर होकर शरणार्थी बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ अपना देश छोड़कर निकली शेख हसीना भारत आई हैं, फिलहाल हिंडन एयरबेस में हैं। यहां पर हलचल बढ़ चुकी है और खबर है कि वो दिल्ली जा सकती हैं। बांग्लादेशी एम्बेसी की गाड़ियां जो हैं वो वहां पहुंच गई हैं और ट्रैफिक के लिए डिवाइडर भी लगाए गए हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुआ बवाल के बाद जहां एक ओर सत्ता पलट गई, वहीं दूसरी ओर शेख हसीना जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी कल देर रात यहीं पर हिंडन एयरबेस पर आई थी। यहीं पर उनका जो विमान था वो यहां पर लैंड हुआ था और वहां से सीधा बांग्लादेश से भागने के बाद वो सीधा यहीं पर रुकी थी। आज सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह उन्होंने यहाँ नाश्ता किया है, उनको सेफ हाउस में यहाँ रखा गया है। बताया ये भी जा रहा है अगर सूत्रों की माने तो संभवतः आज शाम तक वो अपनी बेटी के पास, दिल्ली जो रहती है उनके पास भी जा सकती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 प्रदेश। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी और कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। 8,000 छात्रों की वापसी वहां से हो चुकी है, 12 से 13,000 भारतीय फंसे हैं। बैठक में राहुल गांधी ने बांग्लादेश मुद्दे पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि तख्तापलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का हाथ है, तो विदेश मंत्री ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदला है, अभी कहना जल्दबाजी है, शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर उपद्रवियों के निशाने पर आ चुके हैं। वहां से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, वहां पर आग लगाई गई है जबकि कई हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। एक ही जिले में 12 घरों में आग लगा दी गई जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने फूंक डाला। खबर है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर ने भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी किया है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। मिडिल नाइट में हमला हुआ इस्कॉन मेहरपुर, इस्कॉन का प्रचार केंद्र है, अग्निसंयोग किया और लुंटन किया, भांगसुर किया। जो रेपिड एक्शन बेटालियन बा अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है और सेनाबाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया। बांग्लादेश में रहने वाली एक हिंदू लड़की ने बताया कि आंदोलन के नाम पर कैसे कट्टरपंथी हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। हिंदू परिवारों को इस हद तक निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो देश छोड़ने को मजबूर हो जाएं। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে, এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের
পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটাই ভাইয়া বলেছে, বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব, আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না, আমরাও দেশের নাগরিক না, তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে। আমরা তো স্বাধীনতা ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं। इन लोगों ने बताया है कि जहां उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनके घरों में घुसकर मारपीट की जा रही है। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से उन्हें शरण देने की अपील की है। अभी बांग्लादेश का माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है वही लोग, दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं।